जीवन में अगर आप अकेले हो तो एक बात मेरा आप सभी जरूर याद रखिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं आप सभी को एक बात तो बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि जो लोग हैं वो बस बुराई निकाल सकते हैं, ताने दे सकते हैं, अच्छाई नहीं कर सकते, सिर्फ माँ बाप को छोड़कर। ठीक है, तो जिंदगी में अगर कभी भी अगर आपके ऊपर दुख भी आए ना, तो दुख का पल तो चला जाएगा, लेकिन उस दुख के घड़ी में किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि एहसान जो है वो सारे जिंदगी का हो जाता है और फिर सारा जिंदगी आपको वो ताने देगा अपने एहसान का। तो दुख जो है वो तो चला जाएगा, लेकिन एहसान किसी का मत लेना अपने मम्मी पापा को छोड़कर, किसी का भी नहीं। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा एक बात, 1 मई को शाम को 6 बजे से आपका क्लास है किसका, आपको पता है ना, मैथ का बेसिक क्लास स्टार्ट हो रहा है हर एक चैप्टर का। ठीक है, और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और एक बात, आप किसी भी एग्जाम का जो मॉक टेस्ट है ऑनलाइन सेट जो है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद गूगल के प्ले स्टोर से जो है सक्सेस की 98 आप अपने फोन के ऊपर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। लेकिन वहां से अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो 1 साल तक जितना भी एग्जाम आएगा, रेलवे का, एसएससी का या फिर बैंक का, हर एग्जाम का कम से कम 20 से 25 सेट दिया जाएगा एग्जाम के पैटर्न के ऊपर, ताकि आप लोग अपने आप को जज कर पाओ एग्जाम से पहले। और आज कवर करेंगे हम सभी 27 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने खुदरा बैंकिंग ग्राहकों के लिए अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग शुरू की है। अब ये मैं थोड़ा आप सभी को समझाऊंगा। देखो, आप सभी अगर फोन में अगर बोलते हैं हाय गूगल तो वहां से रिप्लाई आता है ना, सेम उसी तरह जो है वो अमेज़न एलेक्सा है और एक गूगल असिस्टेंट है। ठीक है, जहां पर अगर अब आप बोलेंगे भैया ये अमेज़न एलेक्सा क्या है, अगर आप एक बार अमेज़न पर सर्च मारोगे ना तो एक डिवाइस है, अगर उससे अपने घर के ट्यूबलाइट लाइट बोलो, टीवी बोलो, अगर उसको कनेक्ट कर देंगे तो आपको स्विच बंद करने का भी जरूरत नहीं है। आप अगर बोलेंगे ना अलेक्सा टीवी बंद कर दो तो टीवी बंद कर देगा, ऐसा डिवाइस है। लेकिन वाईफाई से हर एक चीज जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा ही जो है एक वॉइस बैंकिंग, यानी अगर आप बोलेंगे तो आपको हर एक बैंकिंग सेवा जो है वहां से मिल जाएगा, बस बोलने के बाद रिप्लाई सब आप जो चाहेंगे ना कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है बोलेंगे तो रिप्लाई उधर से आएगा। ऐसा ही जो है एक वॉइस बैंकिंग जो है सेवा शुरू करने जा रहा है कौन सा बैंक, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और ये सेवा शुरू करने जा रहा है आपका ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी। और ICICI बैंक का जो CEO है उनका नाम क्या है, संदीप बख्शी। और इस बैंक का टैगलाइन क्या है, हम है ना, और हेडक्वार्टर तो वो है आपका मुंबई। और एक बात, कल रात को 11:30 बजे वाला क्लास आपको करंट अफेयर का मिला था रिवीजन क्लास, और आज भी मिलेगा। अब वो क्लास आपका ऑलमोस्ट जो है वो रेगुलर चलेगा रात को 11:30 बजे, जो आप सभी का फेवरेट क्लास था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, COVID-19 वायरस के लक्षणों को तेजी से परीक्षण और जांच के लिए केरल में लॉन्च किए गए वाहन का नाम बताना है। ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाहन का जो नाम रखा गया है ना वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या रखा गया है उस वाहन का, तिरंगा। किसने रखा है, केरला राज्य सरकार ने। और तिरंगा का यहां पर फुल फॉर्म भी आप सभी देख लेना, अच्छे से गांठ बांध लेना, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। एक बार वीडियो को पॉज कर अपने माइंड में एक बार बोल दो, एक बार आप रिपीट कर दो, ताकि आप सभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखो भी ना तो आपको कम से कम याद हो। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा आप सभी नजर डालिएगा, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। ठीक है, और केरला का CM कौन है, पिनारायी विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल तो वो है आपका तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी IT कंपनी है जो मेज रैंसमवेयर हमले की चपेट में आ गई है, जिसका परिणाम स्वरूप उसके ग्राहकों की सेवा जो है वो बाधित हो गई है। अब ये भैया रैंसमवेयर क्या है, क्या एक तरह का वायरस है। एक्चुअल में क्या है, जब आप कंप्यूटर वगैरह में काम करेंगे ना तो अचानक क्या है, एक वायरस आ जाएगा और आपका लैपटॉप कंप्यूटर सब बंद हो जाएगा।
फिर आपको कॉल आएगा कि आप इतना पैसा देंगे तब आपका ये सारा लॉक खोला जाएगा। तो उसी तरह का एक वायरस अटैक किया था किस आईटी कंपनी में, जिसके वजह से वहां के जितने भी ग्राहक है उनकी सेवा पर जो है वो बाधित हो गई थी। तो किस कंपनी में, किस आईटी कंपनी में? कॉन्टिनेंट में। ऑप्शन नंबर आपका सी, और इसके सीईओ कौन है? ब्रायन हम्फ्रीज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। लोकप्रिय कथाकार सुधा मूर्ति द्वारा जारी पहला ऑडियो पुस्तक का नाम बताना है। बहुत पॉपुलर स्टोरी टेलर है ये, बहुत पॉपुलर, आपने टीवी में कई बार देखा होगा इनको। और इनके द्वारा पहला जारी ऑडियो पुस्तक का नाम गांठ बांध लेना एग्जाम में आएगा। क्या नाम दिया गया है? हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लायर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी। यानी अब जो है ये आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको जो है वो सुनने को मिलेगा गाना के तरह, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, देखना पड़ेगा, आप सुन सकते हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस देश का नाम बताइए जिसने आभासी मुद्रा भुगतान प्रणाली को चालू करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू कर दिया है। यार थोड़ा सा एडवांस ये देश है, चाइना, डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर। अगर ऑप्शन में जापान होता तो आप थोड़ा सोच भी सकते थे, लेकिन ऑप्शन में चाइना है तो चीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने कोरोना वायरस यानी COVID-19 से निपटने के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए परियोजना परिवय और तत्काल सहायता के रूप में किस देश को $1 मिलियन की मंजूरी दी है। यानी $1 मिलियन का सहायता करेगा भारत कौन से कंट्री को? तो एंटीगुआ, ऑप्शन नंबर आपका डी। कभी और एंटीगुआ को वो जो है वो $1 मिलियन का जो है वो सहायता प्रदान करेगा इंडिया। कैपिटल क्या है इसका? सेंट जोन्स। मुद्रा ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। और वहां के राष्ट्रपति कौन है एंटीगुआ के? तो गैस्टन अल्फोंसो ब्राउन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म इसका, इसने 27 दिन के अंदर रिकॉर्ड समय में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया है? 27 दिन के अंदर वैसा पुल बना दिया गया है और यह रिकॉर्ड हो गया है। किसने बनाया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और यह किस अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर वो ब्रिज बना है? तो वो नदी का नाम है आपका सुबनसिरी। मैं बार बार बोल रहा हूं नदी वगैरह का नाम जो भी करेंट में आ रहा है उसको आप गांठ मान लेना, एग्जाम में बहुत बन रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा कांडू। अगर बात करूं राज्यपाल तो बीडी मिश्रा, और कैपिटल आपका तो वो है आपका ईटानगर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 साल के कार्यकाल के लिए देश के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया है जो एक भारतीय भी है? यानी नेशनल साइंस बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है या बोल सकते हो जो हेड है, किसे बना दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? तो उनका नाम है आपका क्या? सुदर्शनम बाबू। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से अपने आवास पर बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने के लिए तैयार है? परामर्श देगा आपको, बताना है आपको इसका आंसर। देखो एक्चुअल में क्या है, इसको अगर आप अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं ना इस एप्लीकेशन को, तो अगर आप बीमार भी हैं तो आपको पूरा जानकारी A to Z जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से वहां के लोगों को दिया जाएगा। कहां के लोगों को? तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को। ऑप्शन नंबर आपका बी। और पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट कर यह बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, वहां के राज्यपाल गवर्नर का नाम क्या है, और वहां का कैपिटल राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश का। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई ने 1 मई 2020 से सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दे दी है किसको? यानी 1 मई से सिटी यूनियन बैंक का एमडी और सीईओ कौन होगा, उनका नाम बताना है। और उनका नाम क्या होगा?
एक बार और मैं बोल दूं, अच्छे से याद कर लेना बैंक के सीईओ एमडी टैगलाइन, उनका नाम है आपका एन कामा कोडी। ऑप्शन नंबर आपका क्या? ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 27 अप्रैल का। बाकी 1 मई शाम को 6 बजे बेसिक क्लास के साथ क्लास स्टार्ट करूंगा मैथ का। हर एक नोट्स आप बनाते रहिएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, ठीक है ना।